नाजायज माइनिंग दा मुलजम कांग्रेसी सरपंच, पुलिस दे लई पगौड़ा कांग्रेसी सरपंच, टोर कट के रविंदर आवला नाल पहुंचिया पगौड़ा कांग्रेसी सरपंच। माइनिंग माफिया खड़ा करन दे इल्जाम तां कांग्रेस ते लगदे ही रहे, पर माइनिंग माफिया दे करिंदे परिंदे जेकर खुद कांग्रेसी आगुआं दियां सजियां खबियां बाहां बनन दा दावा करन तां पुलिस भी बेचारी की करे। जेकर पुलिस दे पगौड़िया नूं कांग्रेसी विधायक जफियां पा पा के पुक्कल च लुकाउण तां पुलिस बेचारी की करे। इस गल दा आधार ने यह तस्वीरां, यह तस्वीरां वेख के तरस आउंदा है। तरस क्यों आउंदा है, किसते आउंदा है दसांगे तुहानूं, पर तरस आउंदा है पुलिस की मजबूरी ते, तरस आउंदा है रेत माफिया की डसी पंजाब की जनता ते। तरस इसलिए आउंदा है कि जिहड़ा शख्स नजायज माइनिंग के मामले च पुलिस नूं लोड़िंदा है वह तां टौर कढ के कांग्रेसी विधायक रविंदर आवला दे नाल नाल घूम रहा। पुलिस नूं लोड़िंदा सरपंच विधायक रविंदर आवला दे नाल जफियां पा रहा, तां फिर खाकी की की मजाल के एफ आई आर च लोड़िंदा मुलजम सामने भी खड़ा है तां उसनूं तत्ती वाह भी लग जाए। जी हाँ, यह बंदा जो तस्वीरां च तुहानूं विखाई दे रहा है जलालाबाद के टिवाणा कलां दा वासी कांग्रेसी सरपंच बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू है। पुलिस ने नजायज माइनिंग दे इल्जाम हेठा इस दे खिलाफ परचा कट दिता। परचा तां कट दिता कांग्रेसी सरपंच दे खिलाफ, पर सरपंच साहब तां साक्षात दर्शन देन पहुंच गए कांग्रेस दे प्रोग्राम दे विच। जलालाबाद तों कांग्रेसी विधायक रविंदर आवला दा सुरक्षा अमला भी इत्थे मौजूद है ते मुलजम कांग्रेसी सरपंच भी, होर भी पुलिस मुलाजम इत्थे मौजूद सन, पर ना पगौड़ा मुलजम तां कांग्रेसी विधायक रविंदर आवला दी सज्जी खब्बी बाहां चों इक होया, तां पुलिस दी की जुरत के कुछ कर जावे। उपरों हिम्मत इन्नी कि कैमरे सामने भी आ जांदा है, मुलजम माइक ते आके बोलदा है कि इल्जाम झूठे ने, यानी पुलिस महकमा ही शुदाई है जिसने परचा कटता। वैसे पुलिस महकमा शुदाई है जां नहीं, इसका अंदाजा तुसी अगे पुलिस दे बयान तों खुद ही ला लेना। सर माइनिंग नहीं सी, साडे ट्रीटमेंट प्लांट पास हो गया सी, साडे कोल एक्सराज दा मतलब के अप्रूवल भी हैगी, एस्टीमेट सारा हैगा जी। असी उहदे साइडां तों बरम बन रहे सी जी, पिंड दे कोई एक दो बंदे हैगे जिहड़े मतलब के रेता सानूं कहिंदे सी रेता सानूं कढ के दिओ। असी उहनां रेता ना देण करके उहनां एवें गलत एलीगेशन लाया साडा चंडीगढ़ पता डी जी पी साहब लाया कि सी एम साहब लाया, ते उत्थों रात आया सी स्टाफ एक, वो कड़ा रेता साइडां ते बरम ते ही लग्या है जी। स्कूल दे विच डैम्प साडा किन्ना उत्थों निकलिया उन्ना ही उत्थें पिया जी, स्कूल दे विच स्कूल च एक गेड़ा भी नहीं भरिया जी। मैं पंजाब माइनिंग ते उन्हां वल्लों सानूं इक रुका भेजा गया सीगा भी इस भी एक्सट्रैक्शन तहत परचा दर्ज कर दो। एक टवाणे कला छप्पड़ ट्रीटमेंट का काम चल रहा सीगा ते उस दे तहत कार्रवाई हुई आ। किन्ने ते कार्रवाई हुई है, की नाम है? सरपंच बलविंदर सिंह और पिट्टू, उन्हां ते कार्रवाई हुई है। केड़ियां केड़ियां धारा लगियां सर? कोई धारा लगियां 379 420 21 माइनिंग एक्ट ते एक माइनिंग एंड मिनरल रेगुलेशन ऑफ डिवेलपमेंट एक्ट 1957। ठीक है, ते गिरफ्तारी सर हो गई? नहीं गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी बाकी है। वाह क्या बात है, पुलिस कहंदी है कि मुलजम नु फड़न दे लई छापेमारी कीती जा रही है, रेड कीती जा रही है, जबकि मुलजम कांग्रेसी सरपंच टौर दे नाल खड़ा होके खुद ही जज बन के खुद नूं बेकसूर दस दिंदा है। छप्पड़ तों लखां दी रेता चोरी हो गई, पुलिस दी रेड दौरान भी मुलजम मौके तों भज गए ते हुण परचा दर्ज होण दे बावजूद मुलजम कांग्रेसी सरपंच कांग्रेसी विधायक रविंदर आवला दे नाल खुले शेर वांग घूमदा है, पर पुलिस शायद सियासी सरप्रस्ती होण कारण खुद ही मुलजम नूं हाथ पाउण तों डरदी विखाई दे रही है। वैसे रविंदर आवला ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ PS Ranu ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।